सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है Na2CO3। और आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा भी कहते हैं। और दूसरा एक और फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो वो होता है Na2HCO3। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम खाने का सोडा। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापते हैं, तो ये मापा जाता है स्फेग्नोमीटर के द्वारा। और ब्लड प्रेशर की जो यूनिट्स होती है, कितना हमारे नॉर्मल शरीर में होना चाहिए, तो वो होती है 80 एंड 120। ये एक रेंज होती है, आपको इसको याद रखना है। एल्काइन का ग्रुप कौन सा होता है, तो ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो एल्काइन का होता है। और क्रोमोजोम की संख्या इन फीमेल पूछी गई थी, तो वो क्या होती है, वो होती है 44+XX। ये आपका डिपेंड करता है कि ऐसे ग्रुप दिया गया था आपको, ना कि सीधा नंबर पूछा गया था। तो ये ग्रुप होता है 44, और प्लस जो अगला होता है वो होता है एक्स, और एक्स का एक पेयर। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन पूछा गया था, तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है अश्वनी लोहानी। और कंपाला रेस कहाँ पर होती है, तो एक कर्नाटक में होती है। और साथ के साथ आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि जल्लीकट्टू जो एक गेम अभी रिसेंट में चर्चा में भी रहा था, तो वो कहाँ पर होता है, वो होता है तमिलनाडु के अंदर। सबसे ज़्यादा ब्रांच किस बैंक की है, तो सबसे ज़्यादा ब्रांच भारत के अंदर स्टेट बैंक की है। और दूसरे नंबर पर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। और स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। और स्टेट बैंक के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो ये है अजमेर के अंदर। और ये एक मस्जिद है जो कि पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, और इसको बनवाया है इल्तुतमिश ने भी, इसमें रिपेयरिंग कराई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। विस्तारा एयरलाइंस के मालिक कौन है, तो वो है टाटा एंड सिंगापुर एयरलाइंस। ये आपसे पूछा गया था कि टाटा के साथ में कौन सी एयरलाइंस जुड़ी हुई है, तो वो है सिंगापुर एयरलाइंस। मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जॉय गोस्वामी को। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वच्छ भारत कब शुरू किया गया था, तो स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, और इसको शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। FTII के चेयरमैन कौन है, ये है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं अनुपम खेर। और आपको पता होना चाहिए जो हमारे सेंसर बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। और FTII का जो मुख्यालय होता है, या हम कहें ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है पुणे में। और जो अभी दूसरा एक केंद्र इसका बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के सीएम के बारे में पूछा गया, तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू। और ये भारत के सबसे अमीर, या फिर कहें सबसे ज़्यादा जिनके पास में धन है, वे भी मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज़्यादा अमीर मुख्यमंत्री हैं भारत के, चंद्रबाबू नायडू। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ किससे जुड़ी होती हैं, तो ये टंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं। और बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया कि इसकी बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है नेपाल के अंदर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसे ही और सेकंड शिफ्ट होके आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।